Hello guys, namaste, welcome back to my channel. My name is Komal and finally 7000 YouTube family हम लोग बन चुके हैं. 7000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे हो चुके हैं. आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद. आपने मेरे प्रीवियस वीडियो का आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि वो ऑलमोस्ट 2 मिलियन हिट्स हो चुकी है. और आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है, उसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चन है, बहुत लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन भी है उसके ऊपर. तो आज मैं ब्लॉग इसीलिए ये बना रही हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन के मैं आंसर भी दे सकती हूँ और आपके जो भी कन्फ्यूजन है वो सब क्लियर आउट कर सकती हूँ. ओके गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड. आपके जो भी क्वेश्चन है वो मैंने सारे यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं और अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा कॉमन है, ये क्वेश्चन नहीं बोल सकती, ये कंसर्न है लोगों का मेरे लिए. तो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ये मैसेज आया है, ये कमेंट्स मुझे आया है क्योंकि मेरा स्लीपिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा लेस था. एक्चुअली क्या होता है ना कि मेरा ऑफिस हाइब्रिड मोड है. समटाइम्स आई डू वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो, समटाइम्स आई डू वर्क फ्रॉम ऑफिस ऑल्सो. तो जब वर्क फ्रॉम होम रहता है तो मेरा स्लीपिंग टाइम जितना है उतना बहुत अच्छे से वो साइकिल चलता है, लेकिन जब वर्क फ्रॉम ऑफिस रहता है तब पूरा शेड्यूल मेरे को पूरा दिन का चेंज करना पड़ता है क्योंकि सुबह उठने तक पूरा दिन मेरा गुजर जाता है. इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है सोने के लिए और फिर से सुबह जल्दी उठना इट्स नॉट पॉसिबल. लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा कमेंट्स किया है तो ऑब्वियसली मैं अपना स्लीपिंग टाइम इम्प्रूवमेंट करूँगी, ज़रूर करूँगी. ओके, लेट्स बिगिन विद द सेकेंड क्वेश्चन. सो इट इज़, डोंट यू फील स्लीपी इन ऑफिस आवर्स? ऑब्वियसली गाइज, मैं भी इंसान ही हूँ, मुझे भी नींद आती है. लेकिन क्या होता है, अपना पैशन, हमारा जो काम है, कभी कभी प्रोजेक्ट का भी वर्क रहता है तो इस चीज़ के लिए आपका नींद वैसे भी उड़ जाता है. और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हेक्टिक, मतलब स्लीपी, लेजीनेस, ये सब चीज़ें तो बहुत नॉर्मली है ऑब्वियसली, तो इतना कुछ ये नहीं है उसमें. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है, हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. गाइज देखो, आप जब भी टेंथ करते हो तो टेंथ के पास आप पे डिपेंड करता है कि आप डिप्लोमा ले रहे हो या 11th 12th कर रहे हो, क्योंकि 12th के बाद भी आप डिग्री कर सकते हो. अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री कौन सा भी फील्ड चूज़ किया लेकिन वहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस ही चूज़ करना, बिकॉज ये आपके लिए आगे जाके बहुत ही ईजी हो जाता है. समटाइम्स क्या होता है ना कि बॉयज़ मैकेनिकल और सिविल के साइड में जाते हो तो वो क्या होता है कि बाद में उनको लगता है कि हाँ, IT फील्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पे सैलरी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, तो इसीलिए वो लोग बाद में जाके स्विच करते हैं. लेकिन अगर आप पहले से ही डिसाइडेड हो कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो गाइज आप तभी ही कंप्यूटर साइंस ले लो, क्योंकि फिर आपको आगे जाके स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आगे जाके कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा अलग सा. आप जितना भी सीख चुके होंगे आप कैंपस थ्रू वहाँ पे जॉब पे लग जाओगे. तो फर्स्ट ये ध्यान में रखो कि आपका डिग्री और डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आप ये डिसाइड करो कि आपको कौन से फील्ड में जाना है. यू गाइज गोइंग टू द टेस्टिंग ऑल्सो और डेवलपिंग ऑल्सो. तो मेरा अगर कहने का ये है तो डेवलपिंग या हो या टेस्टिंग हो, आपको लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है. लैंग्वेज मतलब लाइक जावा, C++, C#, ये सब लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आना बहुत ज़रूरी है. जैसे SQL वगैरह, ये सब तो डेटाबेस के लैंग्वेज है, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करो. मैं तो आपको ये प्रेफर करूँगी कि जब आप लास्ट ईयर में होते हो आप तभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करो. जो गलती मैंने की है आप वो गलती बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि मैंने जब 4th ईयर चालू था मेरा, मैंने बहुत ही चीज़ें ये लाइटली ली थी. मैंने इंटरव्यू भी बहुत लाइटली लिया था बिकॉज आई वॉज लाइक कि हाँ भाई हो जाएगा, चले जाएगा, हो जाता है, इतना इंटरव्यू देंगे तो मैं कहाँ तो भी प्लेस हो जाऊँगी. लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि कॉम्पिटिशन फिलहाल बहुत ही ज़्यादा टफ है. आपको फोकस करना है आपके ऊपर, इंटरव्यू के ऊपर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू वर्किंग TCS? गाइस क्यों, मतलब क्यों लगता है कि मैं TCS में जॉब कर रही हूँ? मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप TCS में जॉब करते हो, आप इंफोसिस में जॉब करते हो. नहीं गाइस, मैं TCS इंफोसिस दोनों में भी जॉब नहीं करती. मेरी एक अलग से कंपनी है जो NRI कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है, तो मैं TCS में जॉब नहीं करती. माना कि ये मेरा ड्रीम था कि मैं TCS में जॉब करूँ, लेकिन मैं जॉब नहीं करती वहाँ पर. ओके, नेक्स्ट इज, इन विच कंपनी आर यू वर्किंग? ओके, तो मैं अभी बताती हूँ कि मैं कौन से कंपनी में जॉब करती हूँ. तो मैं प्लानिट NRI कंपनी में जॉब करती हूँ. ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है, पूरा कंपनी टेस्टिंग के बेस पे है, ये पूरा टेस्टिंग कंपनी है. और मैं भी एज अ टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर जॉब करती हूँ. मैं डेवलपिंग नहीं हूँ. आई वॉज वर्किंग एज अ डेवलपर फॉर 6 मंथ, बट आफ्टर दैट आई स्विच माई जॉब इन टू अ टेस्टिंग, बिकॉज टेस्टिंग मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे एक्टिंग लाइफ भी नहीं चाहिए. तो टेस्टिंग फील्ड बहुत ही अच्छा है. अगर आपको बहुत ही
अगर आप कंफ्यूज भी हो रहे हो कि आगे जाके क्या चूज करें, तो आप टेस्टिंग में भी जा सकते हो। टेस्टिंग एक काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है और आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी देगा आपके करियर में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव डन इंजीनियरिंग इन विच कॉलेज? गाइज, आई हैव डन माई इंजीनियरिंग इन सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, विच इज़ लोकेटेड इन अ खारगर, न्यू मुंबई। तो मैंने वहाँ से मेरा बी ई कम्प्लीट किया है, मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है इन अ कंप्यूटर साइंस। ओके, एंड द वेरी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव इन मुंबई? गाइज, कितना मतलब आप मेरे घर पे आ जाओगे ऐसा होगा। बहुत लोगों ने पूछा आप मुंबई में कहाँ पे रहते हो, कहाँ पे रहते हो। तो आपको ये मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग तो पता ही होगा कि भाई कल सुबह जल्दी निकलना है, अभी कहाँ जाना है ये आप तय करो, और ये फिल इन द ब्लैंक्स आप फिल कर दो, वहाँ पे ही मैं रहती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेंट ऑफ योर हाउस? गाइज, नहीं, हमारा ये खुद का घर है, रेंट पे वगैरह कुछ भी नहीं है, तो नो रेंट। देन हाउ वुड यू मैनेज टू वेक अप अर्ली? गाइज, उठना पड़ता है सीरियसली। जब भी मैं सुबह सुबह अलार्म बजता है तो मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँगी, नहीं मैं आज लीव लेती हूँ, नहीं मैं ये ऑफिस ही छोड़ देती हूँ, हाउस वाइफ बनती हूँ। लेकिन नहीं गाइज, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हमें उठना ही पड़ता है। तो ये मोटिवेट करती है मुझे चीज़ें कि आपको जल्दी उठना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट इज़ योर पैकेज? गाइज, देखो, पैकेज इज़ अ कॉन्फिडेंशियल थिंग। मेरी कंपनी अलाउ नहीं करती कि मैं ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे बताऊँ, लेकिन बट गाइज, मैं आपको इतना ज़रूर बताऊँगी कि मेरे पैकेज में से मैं अप्रॉक्सीमेटली 40% तो मैं सेव करती हूँ, और मेरे मंथली जो भी एक्सपेंसेस है वो मैं खुद उठाती हूँ। तो मैं इतना तो कमाती हूँ कि मैं खुद का उठा सकूँ। सो या, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट इज़ योर एज? गाइज, लड़कियों से एज कौन पूछता है? आप ही मुझे बताओ कि लड़कियों से एज कौन पूछता है। चलो ठीक है, इसमें इतने छुपाने जैसी बात एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली मेरा बॉर्न ईयर है 2000, तो आप खुद ही काउंट करो, जैसे मेरा एज बढ़ेगा, जैसे ईयर जाएगा वैसे वैसे मेरा एज बढ़ेगा। ओके ओके, सो एट वॉट टाइम यू एडिट योर वीडियोज? ओके गाइज, सो यूजुअली मैं अपना वीडियोस वीकेंड पे ज़्यादा एडिट करती हूँ, क्योंकि मैंने कभी ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाए, और शॉर्ट वीडियोस बनाने के लिए मैं ट्रेन में भी एडिट करती हूँ। बिकॉज मैं फ़ोन से एडिट करती हूँ तो ट्रेन में भी मेरे लिए इजी हो जाता है ट्रैवलिंग के वक्त। तो मैं इधर मैं वीकेंड में एडिट करती हूँ या ट्रेन में। ओके, सो नेक्स्ट इज, आप किस सिटी में वर्क करते हो? ओके गाइज, सो आई एम वर्किंग इन घाटकोपर, विच इज़ लोकेटेड इन मुंबई। तो मैं घाटकोपर में वर्क करती हूँ। ओके, नेक्स्ट, डू यू टेक हेड बाथ डेली आफ्टर जिम? नो गाइज, आई कांट। मैं डेली हेड बाथ तो नहीं लेती हूँ जिम के बाद, बस शॉवर लेती हूँ। लेकिन हेड बाथ मैं वीकली 2 दिन या 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा हेड बाथ करती हूँ, लेकिन हर रोज जिम के बाद नहीं, इतना तो पॉसिबल नहीं है। और आपके हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर आपने डेली हेड बाथ लिया तो। तो आप वीकली 2 या 3 बार ले सकते हो। ओके, देन आपके बाद आपका घर क्लीन कौन करता है, आपका क्लीनिंग प्रोसेस क्या है? तो गाइस, ये भी बहुत बहुत मतलब औरतों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि ऑब्वियसली आप अगर मेरा शॉर्ट्स देखोगे तो वहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ, मेरा टिफ़िन पैक करती हूँ, रेडी होके चली जाती हूँ। तो उसके पीछे का काम कौन करेगा? ऑब्वियसली मेरे घर में जो फैमिली मेम्बर है वो लोग करते हैं, मेड्स भी उन्हें हेल्प करती है। तो उसके पीछे मेरी मम्मी या मेरी सासू माँ है, वो लोग ये सब काम करते हैं। सो या, देन कैन यू प्लीज शेयर योर स्किन केयर रूटीन? यस गाइज, बहुत लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि आप अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करोगे। डेफिनेटली मैं इस ब्लॉग में नहीं, लेकिन मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसका एक अलग सा ब्लॉग बना के मैं आपको डेली रूटीन, मेरा जो भी स्किन केयर है, आपकी स्किन के लिए भी क्या इफेक्टिव चीज़ें हैं वो भी उस ब्लॉग में बताऊँगी। तो मैं इसके लिए एक अलग सा ब्लॉग बनाऊँगी और वो भी शेयर करूँगी कि मेरा स्किन केयर रूटीन क्या है। सो डेफिनेटली, ओके गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू सिंगल और मैरिड? यस गाइज, आई एम मैरिड। बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि मैं एज अ बैचलर रह रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आई एम लिविंग विथ माई हस्बैंड एंड माई इन लॉज, इसीलिए मुझे सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, जैसे कि आपने शॉर्ट्स पे देखा ही है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज, वाई आर यू डूइंग जॉब इफ़ यू हैव अ गुड लाइफ स्टाइल? गाइज, देखो, ऐसा नहीं होता है। अगर आप इतना स्टडी करते हो, आप इतना स्ट्रगल करते हो, तो ऑब्वियसली आपको इंडिपेंडेंट बनना तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ही स्ट्रगल करके मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया है। तो मैं ये चाहती थी कि मैं इंडिपेंडेंट बनूँ, मैं इंजीनियरिंग करूँ, और ये यूट्यूब चैनल आज भी मैं चला रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका ही हाथ है इसमें। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं।
तो मैं आज जो कुछ भी कर रही हूँ तो उनके लिए कर रही हूँ, दे आर माई लिटरली दे आर माई प्रायोरिटी। सो यस, आप अगर आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप इंडिपेंडेंट बनो, आप खुद एक मतलब आपकी लाइफ आप जी सकते हो, आपके तरीके से जी सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपकी गुड लाइफ स्टाइल है तो आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं गाइस, स्ट्रगल इज इम्पॉर्टेंट। ओके गाइस, दैट्स ऑल। अगर इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन आपके रहेंगे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारा सपोर्ट दिया है, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और भी इस टाइप के कंटेंट आपको चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपके लिए ये करती रहूँगी, ट्राई करती रहूँगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू। नको एवढंच बदलतं टाइमिंग के ए भाई तसाच आहे ना। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बंद करो।